अगर दोस्तों आप भी ओला के बुक करना चाह रहे हो और आपको बुक करना नहीं आता, तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं हम किस तरह से ओला के बुक करते हैं। आपको ध्यान से देखना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हम किस तरह से ओला के बुक करते हैं और ओला गाड़ी हमारे पास कैसे आते हैं, और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हम किस तरह से ओला वाले को पेमेंट करते हैं। आइए हम इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर चालू करना है। यहाँ पर आपको ओला एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना। कुछ इस तरह से आप ओला करोगे तो ओला हमारा देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है, जो कि 28 MB का है। और आपको इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आपका ये इंस्टॉल हो जाए। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारा ओला कैब इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से ओपन कर लेना होगा। ओपन करते ही हमारे सामने देख सकते हो कुछ इस तरह से आ जाता है ओला का एप्लीकेशन खुल करके। उसके बाद यहाँ पे देखो कंटिन्यू विथ फोन नंबर पे आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। देखो कुछ इस तरह से क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना होगा कुछ इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट करना, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, OTP फिल कर देना। इसमें फिल करने के बाद आपको देखो यहाँ पे एक बार और अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद देखो यहाँ पे आ रहा है, सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कर देना होगा, जो कि लिखा हुआ वाइल यूजिंग द ऐप, इस पर एक बार क्लिक कर देना होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा था फिर से अलाउ कर देना होगा। अलाउ करने के बाद देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है खुल करके। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना होगा, वो तो हमारा ओला कैब का रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके यहाँ से बताने वाले हम किस तरह से ओला कैब बुक करते हैं। हम पहले आपको बताए थे ओला कैब को हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, अब हम यहाँ से बताएंगे हम ओला कैब कैसे बुक करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों हम अभी मधु वाटिका के पास हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमारा लोकेशन मधु वाटिका के पास है। यहाँ पे अगर आप कंफर्म लोकेशन पे क्लिक करोगे तो आप जहाँ पे जिस टाइम खड़े हो वहीं का लोकेशन आपके पास आ जाएगा, मोबाइल में फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। और देखो आपके पास अभी 4 ओला है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो दोस्तों आपके पास है 4 ओला है आपके पास में है, जो कि अगर अभी बुक करोगे तो आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे देखो आपके सामने आ रहा होगा सर्च डिस्टेंसेस का एक ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इस पर एक बार दोस्तों क्लिक कर देना होगा। देखो मैं आपके सामने इस पर एक बार क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही देखो आपके सामने एक ऊपर जो लोकेशन आ रहा है तो आपका लोकेशन जहाँ पे आप हो, और नीचे आपको जो इंटर डिस्टेंसेस पे आपको इस पर डालना होगा, आप जहाँ जाना चाहते हो आप वहाँ का लोकेशन इस पर डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ फरीदाबाद, जैसे कि मुझे जाना है तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ फरीदाबाद सेक्टर 19, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारा लोकेशन देखो हमारे सामने आ जाता है। अब देखो हमारा लोकेशन फिल हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाता है, देख सकते हो दोस्तों हमारे सामने आ जाता है ओला कैब कितने चार्ज रुपए लेते हैं, यहाँ पे हमारे सामने सारे शो कर रहा है। पहले नंबर पे हम आपको दोस्तों बता देते हैं बुक एनी, अगर दोस्तों आप बुक करते हो तो आपका दोस्तों 229 रुपये से लेकर के 269 मतलब 69 रुपये आपके लगेंगे। अगर आप मिनी बुक करते हो तो आपका 229 रुपये ही चार्ज लगेंगे, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं लगेंगे। ऐसा दोस्तों कभी ओला कैब वाले हमसे ज़्यादा पैसा इसलिए ले लेते हैं क्योंकि आप बुक एनी बुक करते हो, इसलिए दोस्तों ये आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं। अगर आप मिनी बुक करते हो तो आपसे 229 ही रुपये लेंगे। अगर आप प्राइम सदन बुक करते हो तो 269 रुपये आपको लगेंगे। अगर बाइक भी बुक करोगे तो 134 रुपये लगेंगे। और दोस्तों नीचे अगर हम थोड़ा सा बात कर लें तो यहाँ पे बहुत सारे गाड़ी आ रहे हैं। आप ऑटो भी दोस्तों यहाँ से बुक कर सकते हो, देख सकते हो आपके सामने ऑटो भी आ रहा है। उसके बाद बुक करने के लिए आपको देखो यहाँ पे बुक एनी पे आप क्लिक करना। देखो इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखो अब ओला हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और हमारे पास ओला का एक गाड़ी भेज देंगे जो हम बुक करते हैं। देखो अभी हम आगे आपको बताते हैं इस वीडियो में किस तरह से हमारे पास ओला कैब की गाड़ी आते हैं। देख सकते हो दोस्तों हमारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया ओला गाड़ी वाले ने। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो यहाँ पे OTP है जो आ रहा दोस्तों, ये OTP जब हम ओला में बैठते हैं तो हमें ड्राइवर वो हमसे OTP लेता है। देख सकते हो दोस्तों हमारा एक गाड़ी नंबर जो हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ से आप उनके पास कॉल कर सकते हो, यहाँ से मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे पास अब गाड़ी आ जाएंगे, हमारा बुक हो गया ओला। बुक होने के बाद हमें दोस्तों नहीं जाना होगा तो आप यहाँ से दोस्तों कैंसिल भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे कैंसिल वाले बटन पर एक बार क्लिक करो, और क्लिक करते हैं देखो आप किसी और ऑप्शन को सेलेक्ट करो और उसके बाद यहाँ पर कैंसिल राइट पे क्लिक करो तो आपका ओला कैब कैंसिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर कैंसिल नहीं करोगे आप तो आपका ओला कैब बुक हो जाएगा। इस तरह से आप ओला कैब को बुक कर सकते हो।